सलमान खान किस हीरोइन के साथ शूटिंग करते हुए कंफर्ट नहीं रहते थे? किस हीरोइन के साथ सीन फिल्माते हुए सलमान खान ने आपा खो दिया था? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान खान की एक्ट्रेस के साथ बहस और शर्म के बारे में। सलमान जब बॉडीगार्ड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो ना उन सीन को करने में दिक्कत हो रही थी जिसमें उनके साथ करीना कपूर थी। वैसे तो करीना सलमान की मर्जी से फिल्म में ली गई, लेकिन सलमान खान के शर्माने की वजह कुछ और थी। दरअसल सलमान खान ने करीना कपूर को बचपन से बड़े होते हुए देखा था और इसीलिए वो बॉडीगार्ड में करीना के साथ काम करते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। बताया जा रहा कि जब सलमान खान करिश्मा कपूर के साथ निश्चय और जागृति फिल्म में काम करते थे तब करीना सेट पर आती थीं और वो सलमान खान से भी मिलती थीं। सलमान खान छोटी करीना को देखते तो उसे दुलार करते हुए टॉफी दिया करते थे। सलमान ने कभी सोचा नहीं था कि जिस हीरोइन को वो टॉफी खिला रहे हैं उसके साथ कभी रोमांस भी करेंगे, और नियति देखिए यही हुआ। बॉडीगार्ड में सलमान खान की पहली बार करीना कपूर के साथ जोड़ी बनी और सलमान खान उस दौरान पुराने दिनों को याद करते रहे। हालांकि बाद में जब वो पूरी तरह से कम्फर्ट हो गए तो सारे सीन परफेक्ट हुए। इसके बाद तो बजरंगी भाईजान में भी करीना कपूर ने सलमान खान के साथ एंट्री की। इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्मी पर्दे पर खूब पसंद की गई और इस ऑन स्क्रीन कपल ने भी धमाका कर मूवी हिट करा दी। सलमान खान ने रवीना टंडन के साथ वैसे तो कई फिल्में की, लेकिन एक बार इन दोनों के बीच विवाद हो गया और नौबत यहां तक आ गई कि सलमान खान और रवीना टंडन एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। दरअसल बात पत्थर के फूल फिल्म के दौरान की है। इस मूवी की शूटिंग के दौरान रवीना टंडन च्युइंगम खाती थी। सलमान खान शूटिंग के टाइम पर ये देखते तो उन्हें शरारत करने की सूझी और एक दिन उन्होंने च्युइंगम को रवीना टंडन की नाक पर चिपका दिया। रवीना टंडन के साथ ऐसा हुआ तो वो आग बबूला हो गईं। उन्होंने सलमान खान से बात करना बंद कर दिया। सलमान खान ने किसी तरह उन्हें समझाया मगर वो नहीं मानी, तो सलमान भी उनकी इस हरकत पर नाराज हो गई। कुछ दिन की शूटिंग के बाद सलमान खान और रवीना टंडन फिर से दोस्त बन गए और च्युइंगम वाला विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। सलमान खान और नगमा की कभी खटपट नहीं हुई, लेकिन एक फिल्म की वजह से इनके रिश्तों में दरार सी आने लगी थी और ये हुआ था डायरेक्टर की गलती की वजह से। दरअसल चल मेरे भाई फिल्म में नगमा लीड रोल करने वाली थी, लेकिन जब उनसे शूटिंग कराई गई तो वो गेस्ट रोल में थी। नगमा वाला रोल करिश्मा कपूर को दे दिया गया। नगमा ने इसके लिए सलमान खान से कभी शिकायत नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि वो उनसे नाराज भी रही थी क्योंकि सलमान खान और नगमा के संबंध काफी अच्छे थे और इसी बॉन्डिंग के चलते उन्होंने सलमान खान का नाम सुनते ही मूवी के लिए हाँ बोल दिया था। दोस्तों सलमान खान की हीरोइनों के साथ हुई इन गलतफहमियों और मिसअंडरस्टैंडिंग को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।